नमस्कार दोस्तों, एसीएफ एनवायरनमेंट की जो पांचवी यूनिट अपनी चल रही है उसमें आज का अपना टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस अपशिष्ट क्या होता है पहले तो अपन ये देखें। ठोस अपशिष्ट वह अपशिष्ट होता है जो कि या फिर वे पदार्थ जो कि उपयोग में लेने के पश्चात अनावश्यक हो जाते हैं या फिर उनका वापस में उनको उपयोग में नहीं लिया जा सकता, उन्हें ठोस अपशिष्ट कहा जाता है। यानी ऐसे अपशिष्ट ऐसे पदार्थ जो कि उपयोग में लेने के पश्चात वापस उपयोग में नहीं लिए जा सकते हैं उन्हें सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। अब ये सॉलिड वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं या फिर ये जो ठोस अपशिष्ट होते हैं इनके ये कहां कहां से उत्सर्जित होते हैं इनके प्रकार अपन देखेंगे। ये ठोस अपशिष्ट जो है वो पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, कहां कहां से वो उत्सर्जित होते हैं तथा उनके निस्तारण के क्या क्या उपाय हैं, गवर्नमेंट ने इसके निस्तारण के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, ये सारा अपन इसमें देखेंगे। तो सॉलिड वेस्ट ठोस अपशिष्ट किसे कहते हैं, ठोस अपशिष्ट वे पदार्थ है जो उपयोग में लेने के पश्चात अनुपयोगी भाग ठोस अपशिष्ट कहलाता है। अनुपयोगी भाग क्या कहलाता है, ठोस अपशिष्ट कहलाता है। यानी इसको फिर अपन वापस उपयोग में नहीं ले सकते, इसी को ठोस अपशिष्ट या सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। सॉलिड वेस्ट का कारण है अति जनसंख्या वृद्धि, बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होना जिसके कारण ठोस जो पदार्थ है वो ज्यादा व्यक्ति उपयोग में लेता है और उसका जो रेसिड्यू रह जाता है वो ठोस अपशिष्ट के रूप में रह जाता है। दूसरा है यूज एंड थ्रो की जो भौतिकतावादी नीति है वो। तीसरा है इसमें जो भौतिकतावादी समाज है इसके कारण सॉलिड वेस्ट जो है इसकी मात्रा वर्तमान में ज्यादा बढ़ी है। तो ये जो सॉलिड वेस्ट है इसके कारण मुख्य कारण तो है यूज एंड थ्रो, जो कल्चर अपना है यूज एंड थ्रो, काम में लो और उसको एक बार किसी वस्तु को अपन ने काम में लिया फिर उसके पश्चात वो दूसरी बार उसको अपन काम में नहीं ले सकते, उसे अपन बोलते हैं यूज एंड थ्रो कल्चर। अब बात करते हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार, कौन कौन से ऐसे ठोस अपशिष्ट हैं, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अपशिष्ट की श्रेणी में शामिल होते हैं। ठोस अपशिष्ट के प्रकार, ठोस अपशिष्ट कई प्रकार के होते हैं जैसे औद्योगिक अपशिष्ट है, खनन अपशिष्ट है, खनन के पश्चात जो मलबा बच जाता है वो भी इसी में शामिल होता है। इसके अलावा कृषि अपशिष्ट है जो या फिर धात्विक अपशिष्ट है, अधात्विक अपशिष्ट है। कृषि अपशिष्ट में जैसे गन्ना है उसका कोई रेसिड्यू रह जाता है, या फिर चिकित्सा अपशिष्ट है, मत्स्य उद्योग अपशिष्ट है। तो ये सारे जो अपशिष्ट हैं ये किसमें शामिल होते हैं, ठोस अपशिष्ट में शामिल होते हैं। पहला है कृषि अपशिष्ट, दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट, तीसरा है खनन अपशिष्ट, चौथा है धात्विक अपशिष्ट, पांचवा है अधात्विक अपशिष्ट, छठा है चिकित्सकीय अपशिष्ट, चिकित्सकीय अपशिष्ट, सातवां है भारी धातु अपशिष्ट, अनुसंधान अपशिष्ट, तो ये जितने भी हैं ये सारे किसमें शामिल होते हैं।
ठोस अपशिष्ट में शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ इमारतें हैं वो खंडर के रूप में रह जाती हैं, तो वो भी एक अपशिष्ट के रूप में ही है। मृत जीव है वो भी अपशिष्ट के रूप में, हालांकि वो डिग्रेड हो जाते हैं थोड़े समय पश्चात, लेकिन वो शामिल इसी में होते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये तो आ गया आपके ठोस अपशिष्ट के प्रकार। ये जो ठोस अपशिष्ट है इसमें भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 500 ग्राम ठोस अपशिष्ट उत्पादित होता है। कितना? 500 ग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये बनता है, बाकी तो इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट इसमें यही है, भारत में अगर ठोस अपशिष्ट की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, जैव अपशिष्ट, वो ज्यादा होता है। इसके बाद में आपके प्लास्टिक अपशिष्ट है, पेपर अपशिष्ट है। तो भारत में ठोस अपशिष्ट जिसमें पहला है बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, डिग्रेडेबल वेस्ट 48%। इसके बाद में प्लास्टिक वेस्ट है, पेपर वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट 9%, पेपर वेस्ट ये भी लगभग 9%। ये मुख्य मुख्य अपशिष्ट भारत में उत्पादित होते हैं। अब बात करते हैं ठोस अपशिष्ट के प्रभाव। ठोस अपशिष्ट के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? ठोस अपशिष्ट के मानव पर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण, जीव जंतु सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। जलीय तंत्र पर भी ठोस अपशिष्ट का प्रभाव पड़ता है, मृदा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठोस अपशिष्ट का प्रभाव इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव स्वास्थ्य पर, ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ह्यूमन हेल्थ पर जो सॉलिड वेस्ट है वो काफी प्रभाव डालता है, जैसे पारा है, कॉपर है, लेड है, ये सभी जो धातु होते हैं ये सॉलिड वेस्ट में ज्यादा पाए जाते हैं और इसके कारण कई प्रकार के रोग होते हैं। दूसरा है इसमें जलीय जीवों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। सॉलिड वेस्ट जो होते हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करते हैं। पहला तो जो है प्लास्टिक, ये इनकी खाद्य श्रृंखला में चला जाता है और इनको प्रभावित करता है। दूसरा है एल्गल ब्लूम, जहां पर सॉलिड वेस्ट ज्यादा होता है जिस जल में, वहां पर एल्गी की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, उसे एल्गल ब्लूम कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जलीय जंतुओं पर प्रभाव दर्शाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एल्गल ब्लूम जो है ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा है पर्यावरण पर यह प्रभाव डालता है। किस प्रकार? अपशिष्ट जो होता है इससे कई प्रकार की गैसें निकलती हैं और ये गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट दर्शाती हैं। जैसे अपशिष्ट है, सॉलिड अपशिष्ट जो है इससे मीथेन गैस बनती है और मीथेन गैस आपको बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में ज्यादा प्रभाव डालती है, 20% योगदान इसका है। तो मीथेन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज है और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। इसके अलावा लिटरिंग और लीचिंग ये दो टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है सॉलिड वेस्ट में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लिटरिंग एंड लीचिंग। लिटरिंग का मतलब है जब ठोस अपशिष्ट मलबे के रूप में या फिर बहुत अधिक मात्रा में भूमि पर जमा हो जाता है तो उसे अपन
लिटरिक कहते हैं, यानी ठोस अपशिष्ट का मिट्टी पृथ्वी की सतह पर डंपिंग होना क्या कहलाता है, लिटरिंग कहलाता है। ठोस अपशिष्ट का की अवैध डंपिंग दूसरा है लीचिंग। जब ये ठोस वेस्ट जल या फिर वर्षा के जल के द्वारा भूमिगत जल में चला जाता है तो इसे लीचिंग कहते हैं। ठोस अपशिष्ट का भूगर्भिक जल में जाना, जिससे भूगर्भिक जल जो है वो क्या हो जाता है, भूगर्भिक जल प्रदूषित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। लिटरिंग का मतलब है कि पृथ्वी की सतह पर अवैध डंपिंग करना लिटरिंग कहलाता है, और लीचिंग का मतलब है कि यही ठोस जब भूगर्भिक जल में चला जाता है पानी के द्वारा तो इसे लीचिंग कहा जाता है। तो ये दोनों टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं कंट्रोल मेजर ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। कंट्रोल मेजर्स ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो शहरी और औद्योगिक वेस्ट जो है इसको निस्तारित करने के लिए या फिर इसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, तो इसके लिए इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो अपनाई जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक काम में इसमें ली जाती है। तो इसके इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के तीन कंपोनेंट है या इसके तीन अवयव है, इसके तीन कंपोनेंट हैं। तो ये तीन कंपोनेंट कौन से हैं? पहला है सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन का मतलब ये है कि जहां से अपशिष्ट पैदा हो रहा है उसी को अपन अगर रिड्यूस कर देंगे तो सॉलिड वेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा है रिसाइकिल, सॉलिड वेस्ट को रिसाइकिल करना, और तीसरा है सॉलिड वेस्ट को का प्रॉपर डिस्पोजल करना सॉलिड वेस्ट का। तो ये चीज जो है ये एग्जाम में लाइन आने लायक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट अपन किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक काम में ली जाती है। इसके तीन कंपोनेंट हैं, सोर्स रिडक्शन यानी जहां से अपशिष्ट पैदा हो रहा है उसी को अपन रिड्यूस कर दें। दूसरा है रिसाइकिल में जो अपशिष्ट बच गया है उपयोग में लेने के पश्चात उसको वापिस अपन किसी काम में ले लें, जैसे पानी की जो बोतलें होती है उसको अपन वापिस काम में ले सकते हैं, इसी प्रकार जो पेपर है उसको भी अपन काम में ले सकते हैं, कई चीजें हैं जिनको अपन काम में ले सकते हैं। तीसरा है डिस्पोजल, यानी इन ये जो अपशिष्ट बच जाता है अगर रिसाइकिल के पश्चात भी कुछ अपशिष्ट बच जाता है सॉलिड वेस्ट का तो उसको उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाना आवश्यक है। तो ये जो टेक्निक है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जो तीनों स्टेप हैं ये आपके ध्यान रहनी चाहिए, रिसोर्स रिडक्शन, रिसाइकिल और डिस्पोजल, ये तीन टेक्निक है इस इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तीन कंपोनेंट है, रिसोर्स रिडक्शन, रिसाइकिल और डिस्पोजल। अब बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट का किस प्रकार से अपन निस्तारण करें, किस प्रकार उसका ट्रीटमेंट करें।
तो इसके लिए कई प्रकार की टेक्निक है, जैसे लैंड फिलिंग है, पृथ्वी के नीचे पृथ्वी भूगर्भ में गड्ढा खोदकर उसके अंदर उसको दबा दिया जाए, या फिर उसका इंसिनरेशन, उसको जला दिया जाए, या फिर उसका डिकम्पोजिशन किया जाए, या फिर उसको ओशियन डंपिंग की जाए, ओशियन में उसको डाला जाए। तो कई प्रकार की टेक्निक है, उनके बेनिफिट भी है तो ड्रॉबैक भी है। तो इसमें पहली टेक्निक जो है वो है लैंडफिलिंग। लैंडफिलिंग में क्या होता है, जो कचरा होता है उसको अर्थ सरफेस में नीचे इस प्रकार से दबा दिया जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, लैंडफिलिंग कहते हैं। यहां ये पर ये क्या है, कचरा होता है और इस कचरे के ऊपर इस प्रकार से गड्ढा खोद के मिट्टी डाल दी जाती है, इसी को लैंडफिलिंग कहते हैं। इसका फायदा क्या है, तो इसका लाभ है, इससे मीथेन गैस बनाई जा सकती है। लेकिन इसकी हानि क्या है, इसकी हानि यह है कि इससे भूगर्भिक जल जो है वो अपशिष्ट हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। ग्राउंड वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड इससे हो जाता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा है इंसिनरेशन को हिंदी में बोलते हैं भस्मीकरण। तो भस्मीकरण क्या प्रक्रिया है, इसमें सॉलिड वेस्ट को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाता है, जिससे कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका आयतन अपन कम करके 75% कम कर सकते हैं भस्मीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, इसमें सॉलिड वेस्ट को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाता है, ठोस अपशिष्ट को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाता है। तो इससे सॉलिड वेस्ट जो होता है इसका आयतन 75% कम हो जाता है। आयतन कितना हो जाता है, 75% से कम हो जाता है। तो इंसिनरेशन के लिए एक भस्मीकरण उपकरण काम में लेते हैं, जिसे बोलते हैं इंसिनरेशन प्लांट, इंसिनरेशन प्लांट, भस्मीकरण यंत्र। भस्मीकरण यंत्र भारत में सबसे पहला भस्मीकरण यंत्र जो है वो नागपुर में लगाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, सॉलिड वेस्ट को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाता है, जिससे इसका आयतन कम हो जाता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक की बात करें तो इसकी हानि क्या होती है, इससे वायु प्रदूषण होगा, इससे वायु प्रदूषण होता है। लेकिन इसका लाभ क्या है कि इससे सॉलिड वेस्ट जो है उसका निस्तारण बहुत जल्दी हो जाता है। तीसरा है ओशियन डंपिंग। ये जो मैं बता रहा हूं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है ओशियन डंपिंग, तीसरा है आपके ओशियन डंपिंग। ओशियन डंपिंग में सॉलिड वेस्ट को ओशियन में डाल दिया जाता है। तीसरा है ओशियन डंपिंग। तो इसमें समुद्र में इसको सॉलिड वेस्ट को डाल दिया जाता है। लेकिन इसकी हानि की बात करें तो इससे जलीय जीव प्रभावित होते हैं। जलीय जीव इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्योंकि इससे जो जलीय पारितंत्र है वो प्लास्टिक वगैरह को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है और इससे वो बुरी तरह प्रभावित होता है। चौथा आपके है इसमें बायोलॉजिकल रीप्रोसेसिंग में अपन क्या करते हैं, जो ठोस वेस्ट होता है उसका उससे अपन उसको कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है, जिससे कि खाद का निर्माण होता है। यानी ठोस वेस्ट को, ठोस अपशिष्ट को कार्बनिक पदार्थ में बदलना। तो इसके लिए अपन क्या काम लेते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो जीव है वो इसमें अपन काम में लेते हैं। तीसरा है ताप अपघटन, ताप अपघटन जिसे बोलते हैं पाइरोलाइसिस, ताप अपघटन। पाइरोलाइसिस की प्रक्रिया में क्या करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, ये जो कार्बनिक पदार्थ बनता है, इस कार्बनिक पदार्थ को जैसे हाइड्रोकार्बन वगैरह है उसको अपन चारकोल या फिर
कुछ गैसेज में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। कार्बनिक पदार्थ को अपन किसमें चारकोल में या फिर गैसेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये गैसेज कौन से होंगे तो ईंधन के रूप में काम आएंगी, तो ये क्रिया पायरोलाइसिस में होती है। तो पायरोलाइसिस और जो इंसिनरेशन है, इस दोनों में अंतर यह है कि इसमें कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको चारकोल वगैरह में परिवर्तित कर लिया जाता है। दूसरा, इसमें पायरोलाइसिस में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य किया जाता है, O2 की अनुपस्थिति में यह कार्य किया जाता है, या फिर ऑक्सीजन होगी तो बहुत सीमित मात्रा में इसमें ऑक्सीजन होती है। तो इंसिनरेशन और पायरोलाइसिस में यही अंतर है कि इंसिनरेशन में अपन ऑक्सीजन नियंत्रित नहीं रहती है, जबकि इसमें ऑक्सीजन या तो होती नहीं है या फिर नियंत्रित मात्रा में इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। छठा है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में जो केंचुआ होता है उसका उपयोग किया जाता है कार्बनिक पदार्थों को खाद बनाने में, जैसे आपके कृषि अपशिष्ट है उनको केंचुए की सहायता से किसमें बदला जाता है, कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। सातवां आपके है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर सॉरी कंपोस्टिंग में अपन काम में लेते हैं सूक्ष्म जीवों को, जबकि वर्मी कल्चर में काम में लेंगे अपन केंचुए को। केंचुए के द्वारा जो अपशिष्ट होता है, जैसे कृषि अपशिष्ट है तो उसको अपन खाद में बदल सकते हैं, या फिर जानवरों का जो मलबा, जानवरों में जो अपशिष्ट होते हैं उसको भी अपन किसमें बदल सकते हैं, कार्बनिक खाद में बदल सकते हैं। तो इसके लिए वर्मी, ये केंचुआ होता है, ये 45 दिन में अपशिष्ट को डिग्रेड कर देता है, अपशिष्ट को ये खाद में बदल देता है। तो इसका उपयोग किया जाता है आपके कार्बनिक ऑर्गेनिक खेती या कार्बनिक खेती में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपके 3R टेक्निक। 3R टेक्निक में रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट को कम से कम किया जाए, अपशिष्ट का रिसाइकिल किया जाए और अपशिष्ट को वापस काम में ले लिया जाए, तो इसी टेक्निक को कहते हैं 3R टेक्निक। नौवा है अपशिष्ट न्यूनीकरण चक्र, यानी वेस्ट मिनिमाइजेशन साइकिल। वेस्ट मिनिमाइजेशन साइकिल, वेस्ट मिनिमाइजेशन साइकिल, ये जो वेस्ट मिनिमाइजेशन साइकिल है इसमें ये एक प्रोग्राम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा चलाया जाता है, वो इसका नोडल मंत्रालय है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो MSME होते हैं, यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, उनसे जो वेस्ट निकलता है उसका निस्तारण इसमें किया जाता है। MSME वेस्ट का निस्तारण, तो निस्तारण के लिए इन MSME को वित्तीय सहायता दी जाती है और वित्तीय सहायता देता है इसको वर्ल्ड बैंक, और इसका नोडल मंत्रालय कौन है, नोडल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसका नोडल मंत्रालय। नोडल मंत्रालय इसका कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा किया जाता है, क्रियान्वयन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो वेस्ट मिनिमाइजेशन साइकिल कहां चलाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट सॉरी MSME वेस्ट जो है उनके निस्तारण के लिए यह चलाया जाता है।
तो ये तो बात हो गई आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा ये जो सॉलिड वेस्ट होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी शामिल होता है, इसमें प्लास्टिक भी शामिल होता है, तो ये चीजें भी इसमें शामिल हो सकती होती हैं। हालांकि ये टॉपिक काफी बड़ा है, लेकिन पूरा तो अपने को नहीं हो पाएगा, नोट्स में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट में जैसे आपके कंप्यूटर है, डीवीडी है, सीडी प्लेयर है, ये सारे मोबाइल है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट में आते हैं। इलेक्ट्रिकल वेस्ट में जैसे आपके वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन है, फैन वगैरह है, तो ये जो चीजें हैं, ये रेफ्रिजरेटर है, ये सारे आपके आते हैं इलेक्ट्रिकल वेस्ट में। दो प्रकार के वेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रिकल वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इनके निस्तारण के लिए एक बेसल कन्वेंशन आयोजित की गई थी, बेसल कन्वेंशन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक। ये दो प्रकार के वेस्ट होते हैं। तो ये आप देख लेना कि इसमें कौन सा शामिल होता है, वैसे आपको बता भी दिया। ये जो इलेक्ट्रिकल वेस्ट होते हैं, इनके लिए एक कन्वेंशन आयोजित की गई, बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है किसके लिए की गई है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए। होता क्या है कि जो विकसित देश होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जो उनके काम का नहीं होता है उनको अविकसित या फिर विकासशील देशों में पहुंचा दे दिया जाता है। जैसे भारत है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को पहुंचा दिया जाता है और अपन उसको काम में लेते हैं। तो यहां पर समस्या यह हो जाती है कि विकासशील देश या फिर अविकसित देश है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और विकसित देश जो होते हैं वो अविकसित देशों में इसको कम वेस्ट के रूप में और उनको इससे इनकम भी हो जाती है और कम आय में कम अमाउंट पर इसको विकासशील देशों में बेच देते हैं। तो यहां पर यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए बेसल कन्वेंशन लाई गई। बेसल कन्वेंशन में क्या किया गया कि विकसित देश जो है वो विकासशील देशों में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का निर्यात नहीं करेंगे, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निर्यात पर रोक लगाई गई। किसमें? बेसल कन्वेंशन में। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत में खतरनाक अपशिष्ट प्रचलन संचालन और नियंत्रण अधिनियम 2008 लाया गया, उसमें भी इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है इनको बैन किया गया। तो वो अधिनियम कौन सा है? अधिनियम है खतरनाक अपशिष्ट प्रचालन, खतरनाक अपशिष्ट प्रचालन प्रबंधन अंतर्देशीय स्थानांतरण। अधिनियम 2008। तो इस एक्ट में इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी शामिल कर लिया गया। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उनको दूसरे देशों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें कोबाल्ट 60 जो है वो इसमें इसको शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि कोबाल्ट 60 जो है वो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत शामिल है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में ये शामिल है, इसलिए इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ये आपके बेसल कन्वेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कोएलिशन। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कोएलिशन में 7 समूह है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के का एक संगठन है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कोएलिशन।
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कोएलिशन। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट 7 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का संगठन है। किसका है? 7 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, जिसमें आईएलओ, आईडीयू, बेसल या फिर इसमें स्टॉकहोम के सचिवालय, बेसल और स्टॉकहोम के सचिवालय, यूनिडो, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, ये सारे इसमें शामिल हैं। तो 7 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इसमें शामिल हैं। तो अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के प्रभाव की। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के प्रभावों की अगर बात करें तो इसमें जैसे शीशा है, शीशा जो है इससे कई प्रकार के कैंसर रोग वगैरह हो जाते हैं। आर्सेनिक है, इससे त्वचा कैंसर, फेफड़े का कैंसर हो जाता है। इसके अलावा पारा है, पारा से मीना माता रोग हो जाता है। इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इससे Cl2 गैस निकलती है और ये Cl2 गैस फिर HCl में कन्वर्ट हो जाती है और HCl जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कैडमियम है, जो इससे किडनी प्रभावित होती है, कैडमियम से किडनी प्रभावित होती है। इसके अलावा सेलिनियम से सेलिनोसिस रोग हो जाता है, जिससे बाल और नाखून जो है उससे प्रभावित होते हैं। बेरिलियम है, इससे कैंसर वगैरह रोग हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। इसके अलावा इसमें डाइऑक्सिन और फिरोन्स भी शामिल होते हैं। तो ये सारे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के प्रभाव। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जो, इनका प्रबंधन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए लैंडफिलिंग और इंसिनरेशन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जानी चाहिए और इसके द्वारा ही इनको निस्तारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नियम 2016। इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नियम 2016, इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 ये इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट में है। इसमें एक तो सीएफएल इसमें शामिल की गई है, साथ में ही जो एचजी जिन लैंप में भरा रहता है, एचजी लैंप, इसको इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे में शामिल कर लिया गया है। दूसरा, इसमें ई कचरा नष्ट करने के लिए रिसाइकिल में जो शामिल कर्मचारी होते हैं या फिर जो मजदूर होते हैं, इनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को है, यानी राज्य सरकार इनके लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? ऐसे कर्मचारी जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निस्तारण में काम करते हैं, तो उनमें अगर स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट इसमें है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। EPR क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादित करने वाला जो कंपनी होगी या फिर कोई व्यक्ति होगा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम उत्पादित करता है, उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी वापस दे, यानी जो उत्पादक है वही उस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को वापस उपभोक्ता से संग्रहित करेगा। इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें वर्ष 2017-18 में EPR के तहत 10% वेस्ट जो है उसको संग्रहित किया जाएगा और आने वाले वर्षों में 20%, 30%, इस प्रकार से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो EPR जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 किसके लिए लाया गया? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लाया गया है। अब भारत में ई वेस्ट मैनेजमेंट के 3 चरण, भारत में ई वेस्ट मैनेजमेंट के 3 चरण हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट के चरण,
तीन चरणों में ई वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। पहला है परिशोधन या शुद्धिकरण, परिशोधन या फिर शुद्धिकरण। तो परिशोधन या शुद्धिकरण में जो ये जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें सॉलिड वेस्ट और धातुओं को इसमें अलग कर लिया जाता है, परिशोधन या फिर शुद्धिकरण। दूसरा है डिसमेल्टिंग या विखंडन, विखंडन डिसमेल्टिंग। डिसमेल्टिंग में धातुओं को अलग अलग करके अलग अलग डब्बों में डाला जाता है और जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तीसरा है इसमें आपके 4R। 4R क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। इन चार के तहत इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का निस्तारण किया जाता है। ये इसकी सेकेंड स्टेज है और ये इसकी थर्ड स्टेज है। तो इसके द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का निस्तारण किया जाता है। तो ये तो बात हुई आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। अब बात करते हैं अपन प्लास्टिक। वर्तमान समय में प्लास्टिक वेस्ट जो है वो सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है। प्लास्टिक वेस्ट सबसे बड़ी समस्या बनके प्लास्टिक वेस्ट वर्तमान समय में सामने आया है। अब प्लास्टिक वेस्ट जो है इसकी अगर बात करें तो ये प्लास्टिक जो है वो तीन प्रकार से होता है। इनकी मोटाई के आधार पर अपने इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। सूक्ष्म प्लास्टिक या फिर माइक्रो प्लास्टिक, दूसरा है मीजो प्लास्टिक और तीसरा है मैक्रो प्लास्टिक। ये तीन प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, इसे डेप्थ प्लास्टिक बोलते हैं। ये जो प्लास्टिक होता है इसका इसकी जो साइज होती है वो 5 mm से कम की होती है, 5 mm से कम इसकी साइज होती है, 5 mm से 25 mm और इसकी साइज होती है 25 mm से अधिक। ये तीन प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। अब प्लास्टिक जो है इनके अगर सोर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो आपके चिप्स की जो थैलियां होती हैं वो सबसे ज्यादा है। फिर इसके बाद बोटल्स जो है वो भी इसके सेकंड नंबर पे आती हैं। तो चिप्स और कॉन्फेक्टरी पैकिंग के लिए जो काम में लिया जाता है प्लास्टिक, वो सबसे ज्यादा वेस्ट भारत में होता है। प्लास्टिक का क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्लास्टिक से जलीय परितंत्र प्रभावित होता है, पर्यावरण इससे प्रभावित होता है क्योंकि ये लंबे समय तक डिग्रेड नहीं होते। नेक्स्ट इसमें यह है कि इससे समुद्री परितंत्र भी प्रभावित होता है। समुद्र में जब प्लास्टिक चला जाता है तो उसको जलीय जीव जो है वो अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए वो प्रभावित करता है। और भूमि जो है, भूमि भी इससे अपशिष्ट हो जाती है क्योंकि भूमि पर जब ये अपशिष्ट प्लास्टिक पड़े रहते हैं कई समय तक तो डिग्रेड नहीं होते और धीरे धीरे ये उस मृदा को नष्ट कर देते हैं। अब है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 18 मार्च 2016 को लागू किया गया। अब इसमें क्या क्या शामिल किया गया? तो इसमें प्लास्टिक कैरी बैग जो है उसकी साइज निर्धारित की गई, यानी उसकी मोटाई जो है वो 50 माइक्रोन रखी गई। कैरी बैग की मोटाई 50 mm इसकी मोटाई रखी गई। दूसरा, इसमें जो प्लास्टिक वेस्ट है उसमें नगरपालिका क्षेत्र की बजाय इसके क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र तक विस्तारित किया गया, नगरपालिका
क्षेत्र से इसको ग्रामीण क्षेत्र तक विस्तारित किया गया। यानी ये जो नियम है ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लागू होंगे। तीसरा, कैरी बैग के जो निर्माता हैं, उत्पादक हैं, उनसे इनके निस्तारण के लिए टैक्स लिया जाएगा, यानी उस पर टैक्स लिया जाएगा जिससे कि इनका निस्तारण आसानी से हो सके। और टैक्स लेंगे तो फिर ये जो प्लास्टिक वेस्ट है इनको प्लास्टिक जो है इनका उपयोग भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसलिए ये टैक्स इसमें लागू किया है। तो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 इंपॉर्टेंट है। साथ में ही आपको ये देखना है कि राजस्थान में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए क्या क्या योजनाएं चालू की गई हैं। बाकी जो चीजें हैं वो आपको नोट्स में उपलब्ध हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।